आज हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। इसकी शीट्स भी हम लोग घर पे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको शीट्स कैसे बनानी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लेंगे 1 कप मैदा और आधी क्वांटिटी मीन्स आधा कप कॉर्नफ्लोर लेना है। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, साथ में डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी कम नहीं करेंगे, नहीं तो शीट्स फटती हैं। साथ में डालेंगे नमक, पानी डाल के इसका बैटर बनाना है। बैटर लिक्विडी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 कप अभी पानी डाला है। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जो गांठें हैं निकालनी है। बैटर लिक्विडी होना चाहिए। मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ। इसमें टोटल मुझे पानी 2.25 कप लगे हैं। भी तवा ले लेंगे, उसे मीडियम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उसमें बैटर डालेंगे हम लोग उतना ही जितना तवे पे कवर हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक करछी भर के भी डालेंगे तो भी कवर हो जाता है तवा। और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे, एक ही साइड पकाना है हमें। और इस तरह से देखिए पुल करके और इसे खींच के निकालना है, जिससे ऊपर का लेयर ड्राई हो जाए। उसके बाद दूसरे साइड नहीं पकाना है। ये मैं नॉर्मल तवे पे बना रही हूँ। इस तरह आप डोसे की तरह भी इसे बना सकते हैं। साइज छोटी बड़ी हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे निकाल के हम लोग प्लेट में रखेंगे। प्लेट में पहले मैदा डस्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर शीट को रखना है, क्योंकि जब ये शीट बनती है तो एक साइड मॉइस्ट रहता है इसका। रखने के बाद ये नॉर्मल हो जाती है, तो हर शीट पे पहले मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे। ठंडे होने के बाद देखिए इस तरह से ये सब शीट्स अलग अलग अच्छे से बन जाती है। इसमें से आप स्प्रिंग रोल और समोसास बनाएं कुछ भी, और इसे स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं फ्रीजर में क्लीन रैप में रैप करके। देखिए इस तरह से सब हमारी शीट्स जो है रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल, तो उसके लिए पहले बनानी है फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए हम लोग ले लेंगे वोक, उसमें डालेंगे ऑयल। अभी डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटी हुई, लहसुन को गुलाबी होने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग हरी मिर्च, ओनियन डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे सेजवान चटनी। ये काफी स्पाइसी रहती है, तो मैं यहाँ पे 1 ही स्पून डाल रही हूँ। साथ में इसमें डालेंगे हम लोग सोया सॉस, पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालना है इसमें। साथ में डालेंगे काली मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। यह हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अभी जो शीट हमने बना के रखी है वो ले लेंगे, उसमें हम लोग फिलिंग डालेंगे। स्प्रिंग रोल को सील करने के लिए हम लोग कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बनाएंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें, उस पर 3 से 4 चम्मच पानी डालना है, और इस तरह से पेस्ट बना के उससे हम लोग स्प्रिंग रोल को सील करेंगे, जैसे इसमें फ्राई करने के टाइम पे ऑयल नहीं जाए अंदर। इस तरह से पैक करना है। देखिए पर से भी लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से हम लोग फोल्ड करके इसे पैक करेंगे, साइड्स भी, जैसे फ्राई करने के टाइम पे इसमें ऑयल नहीं जाए।
इसी तरह से सब स्प्रिंग रोल हम लोग बना लें। इसे अभी फ्राई करना है हमें, तो ऑयल गरम कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है। आंच तेज रहेगा तो ये बाहर से तो जल जाएगा पर अंदर कच्चा रहता है और सॉफ्ट होता है बहुत। धीमी आंच पे ये बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। इस तरह से हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, इसे पीसेस में कट करेंगे और सेजवान चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी है, आप भी ज़रूर बनाइए। सिर्फ ध्यान रखिए, जब आप शीट्स बनाएं तो उसमें मैदे और कॉर्नफ्लोर का क्वांटिटी प्रॉपर होना चाहिए, तो आपकी शीट्स बराबर बनेंगी। ज़रूर बना के देखें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको इस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।